जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी जमात इस्लामी हिंद उम्मीद माइनॉरिटीज चैरिटेबल ट्रस्ट अम्बाजोगाई की जानिब से भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसके आयोजक डॉक्टर लतीफ़ पठान ने अपने इजहार ख्याल में इसका उद्देश्य पेश किया। इस वक्त एडवोकेट महाजर अली उस्मानी, काजी मुजीब सर, एडवोकेट इस्माइल गौली, शरफुद्दीन काजी, नईम सर, जहांगीर पठान और दीगर मौजूद थे। अम्बाजोगाई शहर के अंदर उम्मीद माइनॉरिटी चैरिटेबल ट्रस्ट और जमात इस्लामी हिंद की तरफ से लास्ट 7 सालों से ये ब्लड डोनेशन कैंप रेगुलरली लिया जा रहा है। इसका मकसद यहाँ पे जो इतना बड़ा अस्पताल है, इतना बड़ा जो SRTH मेडिकल कॉलेज है, यह ज़रूरतमंदों के खून को पूर करना, यह हमारा मकसद। और इस उनवान पे हम हर साल इस ब्लड डोनेशन कैंप को ईद मिलादुन्नबी के इस खुशी के मौके पर हम अपना खून देकर ये बताना चाहते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा पैगाम है, कि हम हमारा खून किसी और सभी के लिए हम देने तैयार है। और हमारा ये धर्म, हमारा ये मज़हब ये सिखाता है कि आपस में भाईचारा और आपस में हम इत्तेफाक रखने के लिए हम अपना खून देकर हम अपना इजहार करते हैं। इसमें इस प्रोग्राम के लिए हमारे दोस्त डॉक्टर जहांगीर भाई, एडवोकेट इस्माइल साहब, जमात इस्लाम हिंद के हमारे सदर नईम साहब और मुजीब काजी साहब, इन सब लोगों ने इसमें बहुत सारा हिस्सा लेकर इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा कामयाब किया है। इसमें इस्तांबुल के मैं अपने शुक्रिया अदा करता हूँ।